पूरे दुनिया के ऊपर हुकूमत दज्जाल की आएंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक यहूदी कह रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देख लो। The maker of the universe made it clear for us that we are here on a mission, and it soon will take form in physicality, that the house of the maker in the holy land of Israel, in the greatest city of Jerusalem, will hold and be blessed with the temple of Hashem that will be called the house of prayer to all nations, and everyone will come here to accept on themselves Adonai Elohei Israel, the fact that the maker of the universe is the leader of the nation of Israel and he is the king. वीडियो देखने के लिए आने वाले 10 तारीख को, ये 10 अप्रैल को, 4 दिन के बाद ये 5 लाल गाय के बच्चियों की कुर्बानी देंगे ही देंगे, ये फिक्स है। और वो कुर्बानी किस लिए होने वाली है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को, पूरे दुनिया के लोगों को पता है, लेकिन पूरे दुनिया के लोग खामोश है। ये यहूदी साफ अपने वीडियो के अंदर कह रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम थर्ड टेंपल का निर्माण कर देंगे और पूरे दुनिया के ऊपर हमारा जो राजा है, हमारा जो मसीहा है दज्जाल, उसको मुसल्लत कर देंगे, वो ही राजा रहेगा। लेकिन पूरे दुनिया खामोश है। तीसरी चीज ये है कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोलकर एक मूवी आ रही है 10 तारीख को ही, जिस दिन 5 लाल बछड़ों की कुर्बानी इसराइल देने जा रहा है उसी दिन रिलीज हो रही है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये पूरी एक बोलते ना यहूदियों की चाल है। उसके अंदर क्लियर दिखाया हुआ है कि वो डोम ऑफ द रॉक को बमों से तोफों से उड़ा रहे हैं और वो दुश्मन के रहने का ठिकाना बता रहे हैं मूवी के अंदर। डोम ऑफ द रॉक अलक्सा नहीं है, अलक्सा का ये पूरा एरिया है। हाँ, अलक्सा का ये पूरा एरिया है, ये डोम ऑफ द रॉक है। दूसरी चीज ये है कि हम और हमारे जैसे बहुत सारे मुसलमान जो जवान हैं, जवानी के नशे में हैं, वो 10 तारीख को ये मूवी देखने के लिए जाएंगे। क्या आप जाएंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं तमाम मुसलमान को ये बोलना चाहूंगा, जिसके अंदर हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की बेहुर्मती की जाती, वैसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए। यहां पर तुम देख सकते हो सलमान खान इस मूवी को प्रमोट कर रहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल के। मैंने सब जाकर देखा, SRK का भी जाकर देखा, शाहरुख खान का उसके ऊपर नहीं है। समझने वाली बात है, आप लोगों को छोटी सी बात को बड़े लेवल पे सोचने की जरूरत है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और जो चीज लिखी है वो होकर रहेंगी। बस अल्लाह से, शैतान मर्दूद से पना मांगो, दज्जाल के फितनों से पना मांगो। द डे ऑफ द जजमेंट करीब है, कयामत बहुत करीब है, लेकिन हमको क्या लग रहा है, अरे होते नहीं, नहीं। दुश्मन क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके ऊपर अगर आप लोगों की नजर नहीं है तो आप बर्बाद हो।